Hello and welcome to Nowlets. My name is Amitesh. So friends, as you know, we were discussing about ancient history, and in the last lecture we discussed about Magadhan period, Magadhan Empire, in which we discussed about different dynasties, different kingdoms. Now आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में, कि जो 600 BC का जो टाइम पीरियड था, 600 BC से लेके 300 BC के बीच में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे, उनके बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे ईरानियन इन्वेजन के बारे में, कि किस किस राजा ने कब कब इन्वेजन किया था इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. फिर हम देखेंगे कि उनके आने से इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. फिर हम देखेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर के बारे में, उसके इन्वेजन के बारे में. फिर हम देखेंगे कि कैसे झेलम के तट पे, ऑन द बैंक ऑफ झेलम, बैटल ऑफ हिदैप्सिस होता है अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में. दिस वॉज द वन ऑफ द बेस्ट बैटल, बेस्ट वॉर एवर फॉट, इसको कंसिडर किया जाता है. फिर हम देखेंगे कि उनके जो इन्वेजन हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसका रिजल्ट क्या था. क्या वो आगे बढ़ पाया या फिर उन्हें वापस लौटना पड़ा, क्या वो हार गए, क्या हुआ था, उसके बारे में जानेंगे. और फिर हम देखेंगे कि उनके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके आउटकम्स क्या क्या थे. तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले होता है ईरानियन इन्वेजन, और जो सबसे पहले इन्वेड करने वाला जो राजा था वो था साइरस. साइरस जो किंग था, इसने एकमेनियन एम्पायर को भी कॉन्कर किया था, जीता था. आप देख सकते हो एकमेनियन एम्पायर का एक्सपेंशन, आप देख सकते हो यहाँ टर्की और इजिप्ट को लेते हुए पूरा इंडिया, यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक, पाकिस्तान और इंडस रिवर तक ऑलमोस्ट फैला हुआ है ये एकमेनियन एम्पायर. तो उसने एकमेनियन एम्पायर को कॉन्कर किया था, जीता था. फिर उसके बाद इसने अनाटोलिया और बेबीलोनिया को भी जीता था, इजिप्ट के जो दो सिटीज़ थे. देखिए, ये रहा आपका बेबीलोनिया, तो इन दो सिटीज़ को भी इसने कॉन्कर किया, जीता, अपने में मिलाया, एकमेनियन एम्पायर में मिलाया. और फिर इसके बाद उसने इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन्वेड किया, गांधार और तक के रीजन में, गांधार और तक्षशिला के रीजन में इन्वेड किया. और उसके बाद उसने वहाँ के राजाओं को हराया, और फिर उनसे अपने ट्रिब्यूट्स लेना स्टार्ट किया, उनसे कुछ डोनेशन मनी में, कुछ ऑब्जेक्ट में डोनेशंस लेने स्टार्ट किए. तो इस तरह से जो सबसे पहले इंडिया में इन्वेजन करने वाला राजा था वो था साइरस. नाउ इसके बाद साइरस का ग्रैंडसन आता है डेरियस वन. डेरियस वन भी इंडिया में इन्वेट करता है, इंडस वैली जो रीजन है उस रीजन में 518 BC की ऑलमोस्ट वो इंडिया में इन्वेट करता है. और जो इंडिया का पंजाब और सिंध रीजन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, सॉरी, आप देख सकते हो ये रहा आपका सिंध रीजन, ये रहा आपका पंजाब रीजन, हमने अभी देखा ये पूरा सिंध है. तो सिंध और जो पंजाब रीजन था इसको इसने कैप्चर किया, और इस रीजन को ईरानियन सत्रापी बोलते हैं, जैसे कि प्रोविंसेस होते हैं वैसे सत्रापीस होते हैं. तो 20th सत्रापी घोषित किया था पंजाब और सिंध रीजन को अपना. उसके बाद इसने नेवल एक्सपेडिशंस, मतलब अपने एक ग्रुप ऑफ पीपल को सेंड किया था जियोग्राफिकल और तमाम हिस्टोरिकल एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए, ताकि जियोग्राफी को समझा जा सके. तो ये रहा. उसके बाद आता है जर्क्सीस. सो जर्क्सीस ने बेसिकली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम पीरियड के ट्राइबल किंग्स थे या फिर मोनार्क्स थे, उनको अपने आर्मी में इंक्लूड किया. साथ ही साथ उसने इंडियन इन्फेंट्रीज और कैवलरीज को भी इंक्लूड किया, ताकि वो ग्रीस जो किंग्स थे उनके साथ लड़ाई लड़ सके. तो इतना ही बस रोल था जर्क्सीस का. तो हमें बेसिकली जानना है डेरियस वन के बारे में, वो भी इसलिए क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट किंग, या फिर साइरस के बाद जो पहला राजा था जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन्वेड किया था. एनसीआईटी के बारे में मेंशन करता है डेरियस वन के बारे में, तो यह जानना हमें ज़रूरी था. इसके बाद हम देखते हैं कि उनका इंडिया में इम्पैक्ट क्या पड़ता है. अगर वो इंडियन पीपल के साथ कनेक्ट होते हैं, उनके साथ युद्ध भी लड़ते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सचेंज हुई होंगी. तो देखिए, वो आया इंडिया में, डेरियस जर्क्सीस आए, फिर वापस लौटे होंगे. तो वो एक पाथ डिसाइड करते हैं, वो एक रास्ता दिखाते हैं लोगों को कि अच्छा, आप इस रास्ते वापस जा सकते हो, इस रास्ते आप उस लोकेशन पे जा सकते हो. तो बेसिकली आई वांट टू से दैट ये इन्वेजन ने इंडिया और ईरान के ट्रेड रूट्स को खोल दिया,
और इंडो ईरान ट्रेड और कॉमर्स स्टार्ट हुआ। अब आप खुद सोचिए, जब ट्रेड और कॉमर्स स्टार्ट होगा, एक्सचेंज ऑफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा, तो साथ ही साथ कल्चरल एक्सचेंजेस भी आएंगे। लोग जो जो ट्रेडर्स जो मर्चेंट वहाँ पे जाएंगे, वो वहाँ के कल्चर्स को देखेंगे और वो अपने यहाँ के इम्पैक्ट इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। सिमिलरली वहाँ के लोग भी यहाँ के कल्चर को ले जाएंगे और अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो एग्जैक्टली यही हुआ, कल्चरल एक्सचेंजेज हुई। साथ ही साथ राइटिंग की एक नई स्क्रिप्ट मिली, जिसे खरोष्टी स्क्रिप्ट बोलते हैं। देखिए, खरोष्टी स्क्रिप्ट बिलोंग करती है ईरान से, दिस इज़ अ इरानियन स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। नाउ इसकी खासियत ये थी कि ये अरबिक की तरह दिखता था और लिखा जाता था राइट टू लेफ्ट की तरफ। राइट टू लेफ्ट मीन्स राइट टू लेफ्ट, जैसे कि हम हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, फिर वापस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बट ये लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट की तरफ से। ये इसकी कुछ खास बातें थी। अब जब ट्रेड होता होगा तो ऑब्वियसली वो टाइम था पंच मार्क्ड कॉइन्स का, तो पंच मार्क्ड कॉइन्स के एविडेंसेस मिले हैं नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस से इंडिया में ईरानियन कॉइन्स के, तो ईरानियन कॉइन्स भी आए थे साथ ही साथ। फिर साथ ही साथ जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया था वो था, जब हम अशोका और मॉडर्न पीरियड के बारे में देखेंगे, तो अशोका ने मोनोलिथिक पिलर्स को इस्टेब्लिश किया जगह जगह, उनके 13-14 एडिक्ट्स हैं। तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया था वो था वहाँ की आर्ट का। आप ये हमारा सिंबल देख रहे हो, आप इस सिंबल के नीचे ये जो कैपिटल है, इसे कैपिटल बोलते हैं, इसके नीचे पिलर होती है मोनोलिथिक, ये कैपिटल, ये जो जो उल्टा इन्वर्टेड बेल है, ये इन्फ्लुएंस हुआ था, ये इसका इसका आइडिया हमें मिला था पर्शियन आर्ट से ही। और आगे हम देखेंगे कि कैसे पर्शियन आर्ट से ही गांधार आर्ट भी फ्लरिश होता है। गांधार आर्ट हम देखते हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड है, गांधार और मथुरा आर्ट, तो गांधार आर्ट भी पर्शियन आर्ट से ही इन्फ्लुएंस्ड है। कुशाना के टाइम पीरियड में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये रहा रिजल्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट विथ ईरान इरानियंस, और ये रहा ईरानियन इन्वेजन के बारे में। अब हम बात करते हैं अलेक्जेंडर्स के इन्वेजन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात है कि अलेक्जेंडर राजा था मेसिडोनिया का, ये रहा आपका मेसिडोनिया, मैं जूम कर देता हूँ, मेसिडोनिया का राजा था। और आप देखते जाओ, अलेक्जेंडर ने पूरा एरिया कवर किया है, देख लो, आप देख सकते हो। और ये जो डायरेक्शंस दिखाए गए हैं, ये इसके एक्सपीडिशंस थे जहाँ जहाँ वो अपनी सेना के साथ गया था। तो देखिए, ही वॉज द किंग ऑफ मेसिडोनिया। और जब ईरानियंस वापस लौटते थे तो इसने ईरानियंस को हराया था एशिया माइनर के पास, आसपास में, एशिया माइनर के आसपास इसने हराया, बेबीलोना को भी कैप्चर किया, बेबीलोनिया को भी। और उसके बाद इसने इंडिया को इन्वेड किया था 4th सेंचुरी में। अब किया होगा इंडिया को इन्वेड तो किसी रास्ते से आया होगा, तो देखिए खैबर पास से आया था। खैबर पास को क्रॉस किया 326 BC में, और इंडस रिवर के तट पे वो आया था। ये रहा आपका इंडस रिवर। नाउ अब जब इंडस रिवर पे आएगा तो यहाँ के कुछ ट्राइबल किंग्स भी थे, मोनार्क्स भी थे। तो कौन कौन से मोनार्क्स थे, तो देखिए एक तांबी थे, तक्षशिला के राजा थे, तांबी तक्षशिला के राजा थे। तो इन्होंने क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर जो था उसने तांबी के साथ संधि की, या फिर आप ये कह लें कि तांबी ने अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर कर दिया। और उसके बाद लेटर ऑन जब अलेक्जेंडर तांबी से मिलता है तो उसे बैक्ट्रिया, ये रहा बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया का राजा बना देता है, बैक्ट्रिया का कारोबार और किंगडम सौंप देता है तांबी के हाथों। बट सारे राजा तो उसके सामने झुकेंगे नहीं, तो ऐसा ही एक राजा था पोरस। अब पोरस जो था, अब पोरस ने अपने घुटने नहीं टेके, बिकॉज ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग किंग, और उसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी पोरस के पास। तो पोरस और अलेक्जेंडर के बीच एक युद्ध होता है हिदैप्सिस, झेलम रिवर के तट पे, जिसे बोला जाता है द फेमस बैटल ऑफ हिदैप्सिस। इसके बारे में हम अगली स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बेसिक रीजन बिहाइंड द इन्वेजन यही था कि जो सोसाइटी थी उस टाइम पे में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड थी। हर राजा आपस में लड़ रहा था, एक दूसरे को बिट्रे कर रहा था, एक दूसरे को बैकस्टैब कर रहा था, तो इसलिए उनका इन्वेजन काफ़ी आसान हो गया था। और उसके साथ ही साथ एक हेरोडोटस हैं, जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं, उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ बुक्स लिखी थी, जिसमें उन्होंने इंडिया के वेल्थ के बारे में जिक्र किया था। साथ ही साथ उसने एक स्ट्रॉन्ग किंगडम के बारे में भी जिक्र किया था, गैंगेटिक प्लेन्स में, नंदा डायनेस्टी ही प्रॉबेबली। तो इस तरह से अलेक्जेंडर को इंडिया के बारे में पता चला था और उसने इंडिया की तरफ अपने आप को बढ़ाया था। तो ये रहा अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में। अब हम देख लेते हैं बैटल ऑफ हिदाप्सिस के बारे में। देखिए, बैटल ऑफ हिदाप्सिस लड़ी गई थी
आपकी झेलम रिवर हिडाप्सिस, झेलम का दूसरा नाम हिडाप्सिस है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटल थी, काफ़ी बहुत ही डेंस बैटल थी जिसमें अलेक्जेंडर हारते हारते जीतता है। बिकॉज अलेक्जेंडर की जो सेना थी उसने पहली बार अपने युद्ध किसी भी युद्ध में हाथियों का सामना किया था, बिकॉज पोरस के पास हाथियों की एक बहुत बड़ी सेना थी, और उसने हाथी पे सवार होकर लड़ा था अलेक्जेंडर से, और अलेक्जेंडर इस युद्ध में बुरी तरह घायल होता है, और अंत में वो जीत तो जाता है, बट दिस वॉज द टाइम पीरियड, दिस वॉज द लाइन फ्रॉम वेयर द डिक्लाइन ऑफ अलेक्जेंडर स्टार्टेड। ऐसा मानते हैं हिस्टोरियंस कि यहीं से अलेक्जेंडर का डिक्लाइन स्टार्ट होता है, और इसकी सेना इस युद्ध को लड़ के डर जाती है पूरी तरह से, और उसके बाद बैकलैश स्टार्ट होता है, वापस लौटना, रिट्रीट स्टार्ट होती है। तो होता क्या है कि जब वो अलेक्जेंडर पोरस से युद्ध में जीत जाता है, तो पोरस से युद्ध में जीतने के बाद उसने क्या किया कि उसने पोरस की करेज और उसके हीरोइज्म से, करेज और हीरोइज्म से काफ़ी इम्प्रेस हुआ, और उसने उसको उसकी राज्य को वापस कर दिया था। तो ऐसा था बैटल ऑफ हिडाप्सिस, मैंने काफ़ी ब्रीफली आपको बता दिया। ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाएगा, बट हाँ कभी कभी स्टेट पीसेस में क्वेश्चन पूछा गया कि बैटल ऑफ हिडाप्सिस कब हुआ था, किस रिवर के तट पे हुआ था, 326 BC में हुआ था, किस रिवर पे हुआ था, झेलम रिवर पे हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, तो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुआ था, और उसका आउटकम क्या था। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया है हमेशा। अब हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली बार हाथियों को देखा था, जो पोरस था वो हाथी पर से युद्ध लड़ा था, और बाकी रही अलेक्जेंडर की सेना, तो काफ़ी डर गई थी। अब इसका रिजल्ट क्या होता है इन्वेजन का, तो रिजल्ट यही होता है कि जैसे मैंने बताया कि अब झेलम में जीतने के बाद वो ब्यास, जो ब्यास रिवर है आज का, वहाँ तक बढ़ता है, बट उसके जो सोल्जर्स होते हैं वो काफ़ी थक गए रहते हैं, एक काफ़ी प्रोलॉन्ग वॉर को लड़ते आए रहते हैं, तरह तरह की बीमारियाँ उन्हें पकड़ लेती हैं, और उसके साथ ही साथ वो डरे रहते हैं क्योंकि उन्होंने गैंगेटिक प्लेन में एक फॉर्मिडेबल पावर के बारे में सुन रखा रहता है। प्रॉबेबली वो नंदा ही होंगे, बिकॉज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था नंदा के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी थी, तो इसलिए वो काफ़ी डरे हुए थे कि अभी अभी तो हम एंटर कर रहे हैं तो ये हाल है, पोरस युद्ध में लड़के आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए अब वो अलेक्जेंडर के काफ़ी मोटिवेट करने के बाद भी वो मोटिवेट नहीं होते हैं, और वो पीछे हटना स्टार्ट करते हैं, और मजबूरन अलेक्जेंडर को, मजबूरन सिकंदर को पीछे हटना पड़ता है। और यही होता है कि वापस लौटते वक्त वो क्या करता है कि वो जो पूरा रीजन कैप्चर किया रहता है ब्यास और झेलम के बीच का, उसको तीन टेरिटरीज में डिवाइड करता है, और तीनों को अलग अलग गवर्नर्स को सौंप देता है। उसी में से एक था सेल्यूकस निकेटर, जिसका युद्ध होता है 323 BC के ऑलमोस्ट, 323 to 320 आई थिंक BC के ऑलमोस्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच से। सेल्यूकस निकेटर वे गवर्नर था एक टेरिटरी का, पंजाब और सिंध रीजन का। तो इस तरह से, और 323 BC में उसकी मौत हो जाती है। देखिए ये रहा फेमस कोट कि बर्न माई बॉडी एंड डोंट बिल्ड एनी मॉन्यूमेंट, कीप माई हैंड्स आउट सो द पीपल नो द वन हु वॉन द वर्ल्ड हैड नथिंग इन हैंड व्हेन ही डाइड। तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड था कि मैंने इतना खून खराबा किया, इतने लोगों को मारा, बट अल्टीमेटली आई गॉट नथिंग, मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूँ। तो यही एक ज्ञान वो देना चाहते थे दुनिया को। तो ऐसे रहा था एंड ऑफ अलेक्जेंडर। अब हम बात कर लेते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, कि अलेक्जेंडर का इंडिया में इन्वेजन का इफेक्ट क्या, इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो देखिए सबसे पहले तो हुआ कि यूनिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया हुआ मौर्यन एम्पायर में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा के इस एरिया को भी अपने में अंदर इंक्लूड कर दिया, और आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश किया। तो ये रहा पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ अंडर मौर्य। अब जब खुद सोचिए कि जब अलेक्जेंडर लौटा होगा तो उसके पास नेवल एक्सपेडिशंस भी थे, उसने समुद्रों की सर्च के लिए एक्सपेडिशंस भेजे थे। नियरकस, एक नियरकस आपको बता देता हूँ, नियरकस एक पर्टिकुलर पर्सन था जिसके अंडर में उसने नेवल एक्सपेडिशन भेजा था इस सी रूट को खोजने के लिए। तो अलग अलग ट्रेड रूट्स मिले, तो ट्रेड इंक्रीज हुआ, और जिससे इंडिया और ग्रीस के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, अब अलग अलग लोगों ने, अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलेक्जेंडर के इन्वेजन को स्पेसिफिक डेट और टाइम से मेंशन कर रखा है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम इंडियन हिस्ट्री को ड्रॉ करते हैं तो हमें क्रोनोलॉजी इजीली कोरिलेटेड मिलती है, क्योंकि हमें, हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के, एक पर्टिकुलर लिटरेचर के बारे में मेंशन है।
लिटरेचर अवेलेबल है जिससे हम अपने इंडियन हिस्ट्री को कोरिलेट करके अपना एक हिस्टोरिकल मैप तैयार कर सकते हैं, अपनी एक क्रोनोलॉजी तैयार कर सकते हैं। और इसीलिए अलेक्जेंडर का इन्वेजन हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस शो करता है इंडियन हिस्ट्री में। और अपार्ट फ्रॉम दिस कल्चरल इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, तरह तरह के गांधार आर्ट आगे फ्लरिश होगा, आप देखोगे उसमें कुछ मेसिडोनियन और ग्रीस कल्चर्स भी आएंगे। तो इस तरह से इफेक्ट था अलेक्जेंडर का के इन्वेजन का इंडिया में। तो ये रहा पूरा फॉरेन इन्वेजन जिसमें हमने इरानियन और मैसिडोनियन इन्वेजन के बारे में देखा। नाउ अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के हिसाब की सहायता से मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश करता है, फिर वो कैसे पंजाब की तरफ मूव करता है, सेलेकस निकेटर को हराता है, उसकी बेटी से शादी करता है, उसकी बेटी से शादी भी करता है। तो इस तरह से मौर्यन एम्पायर की एक्सपेंशन और मौर्यन एम्पायर के स्टैब्लिशमेंट के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। इफ़ यू वॉन्ट टू गिव अस सम सजेशंस, एनी एनी क्वेरीज रिलेटेड टू आवर प्रोग्राम्स, देन यू कैन कमेंट बिलो द स्पेसिस, एंड देन यू कैन विजिट आवर एप्लीकेशन, विजिट ऑन आवर एप्लीकेशन ऑल्सो। उसका नाम नाउलेट है, यू कैन चेक इन द गूगल प्ले स्टोर, जहाँ से आपको एक प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी। द मेन थिंग अबाउट आवर एप्लीकेशन इज कि यहाँ पे आपको एक यूनिक तरीके से फ्लैश कार्ड्स और स्टडी कार्ड्स के थ्रू पढ़ने को मिलेगा। करेंट अफेयर्स के बारे में भी आप जान सकते हैं, यूपीएससी से रिलेटेड ईच एंड एवरी टॉपिक से यू विल बी गेटिंग कवर्ड ओवर देयर। सो और उससे रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज़ ट्राई टू विजिट ओवर देयर, यू विल फील वेरी हेल्पफुल एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ वेरी गुड डे।